हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। सो चलिए आज का मार्केट डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं, चार्ट देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी 1 सितंबर की, वो कहाँ पे मार्केट क्लोज होने की कोशिश करेगा। देखिए, ये वीक मेरा लास्ट, जब से ये मैं मेंटरशिप कर रहा हूँ, आई थिंक ये मेरा वन ऑफ द वर्स्ट वीक है, जिसमें मैंने कुछ लॉसेस बुक किए, इवन कैलेंडर के ट्रेड में भी लॉस बुक किया हुआ है। आज मेरा कैलेंडर के ट्रेड में मेरा 1200 रुपीज़ समथिंग का स्टॉप लॉस था, और वो स्टॉप लॉस एक्चुअली हिट हो गया, तो मैंने वो ट्रेड पूरा क्लोज कर दिया। आयरन फ्लाई को मैं जितना मैनेज कर सकता था फिलहाल अभी उतना मैनेज किया हुआ है। कल के दिन मार्केट बंद है, जब 1 सितंबर को जब मार्केट ओपन होगा, अगर कुछ गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता है तो हम लोग कुछ और एडजस्टमेंट करेंगे, सो दैट कि हमारा जो लॉस है वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाए, जितना हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं उतने लॉस को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ये सारी डिटेल्स मैं अभी आज आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फ्रॉम लास्ट 3 डेज मार्केट में 1000 मोर देन 1000 पॉइंट का गैप डाउन हमने देखा, आज मोर देन 1000 पॉइंट का रैली हमने देखा, तो जो कंप्लीट वी शेप, मोर देन एक्चुअली इट्स अ मोर देन वी शेप रिकवरी। तो इस मार्केट कंडीशन में हमें अपने ट्रेड को किस तरह से हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा ITC का ट्रेड है, वो ITC की ट्रेड में भी हमारी क्या पोजीशन चल रही है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, आपको मेंटोरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं सेप्टेम्बर मंथ का मेंटोरशिप, राइट। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन को, समझते हैं सारी चीज़ें। चलिए, तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। एक्चुअली एक सेकेंड में आपको बैंक निफ्टी का 5 मिनट का कैंडल दिखाता हूँ पहले। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कम्प्लीटली स्ट्रेट अवे अपसाइड की रैली थी, और अगर मैं आपको 15 मिनट में दिखाऊँ तो मार्केट सुपर बुलिश दिखेगा आपको, सिर्फ एक दो छोटी छोटी रेड कैंडल देखेंगे, इसके अलावा आपको थ्रू आउट द डे कोई भी रेड कैंडल नहीं दिखेगी, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश था। और अगर सिर्फ 2 दिन में हम बात करें कि 2 दिन में मार्केट ने कितना पॉइंट रैली किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 2 वर्किंग डेज में मार्केट ऑलमोस्ट 1400-1500 पॉइंट्स की रैली दिया है, मतलब 3.5% से ज़्यादा की रैली आई है इन लास्ट 2 डेज में। और अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो आज मार्केट एक्चुअली गैप अप ओपन हुआ 38,532 के आसपास, और अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट मार्केट 1100 पॉइंट्स के आसपास रैली किया है ऊपर की तरफ। ये हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, अभी हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं और फिर लेवल समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी एक्चुअली और ज्यादा बुलिश दिख रहा था, हालांकि चेंज परसेंटेज में जो चेंजेस हैं वो बैंक निफ्टी में आपको ज्यादा दिखेंगे, बट निफ्टी यूजली इतना मूव नहीं करता है जितना मूव इस लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में किया है। तो आप यहाँ पे देखिए तो 3.5% के आसपास बैंक निफ्टी ने भी मूव किया हुआ है, और जिसमें से मोस्ट ऑफ द रैली तो सिर्फ आज के दिन ही आई है। आप यहाँ पे देखें, एक सेकेंड, तो ये गैप अप हमारा ओपन हुआ था, और गैप अप से लेके निफ्टी ऑलमोस्ट 450.425-450 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने आज मूव किया है, विच इज 2.5% समवेयर अराउंड, राइट। तो अब हम लोग ऑप्शन चेन से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ लेवल्स पे आइडेंटिफाई करेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी किस लेवल के आसपास रह सकती है। तो आप यहाँ पे देखें, तो मैं यहाँ पे निफ्टी एक बार सबमिट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमारे पास जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, एक्चुअली रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं रह गया। आप यहाँ पे देखिए निफ्टी 17,800 पे भी आज अनवाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी, तो 17,800 तक तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पे 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको जरूर से दिखेगा, जो कि पुट साइड से ज़्यादा है, बट यहाँ पे आपको देखेंगे तो कॉल राइटर्स एक्चुअली अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, ये अनवाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज कम हुआ है, तो अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 17,500 जहाँ पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो रखी थी कल के दिन, उसको कॉल राइटर्स ने अपनी पूरी पोजीशन को ही छोड़ दिया है, सिर्फ 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट बचा है वहाँ पे, और 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट वहाँ से अनवाइंड हुआ है। तो आप कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को एक्चुअली जो अगर आप देखें तो 17,900 के आसपास जाके फिर से बना रहे हैं,
तो हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 17,900 ही है। हाँ, इस एक्सपायरी में हो सकता है कि मार्केट 18,000 को, मतलब 1 सितंबर को 18,000 हो सकता है टच ना करे, पर मतलब 18,000 तक क्लोज ना हो, बट 17,000 इज प्रेटी मच पॉसिबल, राइट। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ एक ही सपोर्ट देखेगा, 17,500। तो रेंज बहुत बड़ी है, बट जैसा कि मार्केट ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बुलिश और मार्केट की टेंडेंसी है, लास्ट 2 डेज में हमने देखा कि एक दिन पहले ही मार्केट 400-500 पॉइंट का गैप डाउन देता है, फिर नेक्स्ट डे 400-500 पॉइंट का गैप अप देता है। तो मार्केट की टेंडेंसी अब यही है कि हमारे पास काफ़ी बड़ी रेंज है ऊपर की तरफ 17,500, और सॉरी नीचे की तरफ 17,500 और ऊपर की तरफ 17,900, मतलब ये टोटल 400 पॉइंट की रेंज है ऊपर और नीचे को मिला के सिर्फ वन ट्रेडिंग सेशन से, राइट। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को भी समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे आसपास कोई भी लेवल पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्लियरली आपको 40,000 पे ही दिखेगा। ये सारे रेजिस्टेंस आपके मार्केट फेल कर सकता है अगर एक भी गैप अप और गैप डाउन होता है, तो हमारे लिए सिर्फ 40,000 का ही रेजिस्टेंस काम करेगा। तो ऊपर की तरफ हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 40,000 है, और नीचे की तरफ भी आप सेम चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अगर गैप डाउन होता है तो हमारे लिए सिर्फ 39,000 का ही गैप डाउन सपोर्ट में काम करेगा, राइट। तो बैंक निफ्टी में हमें क्लियरली 1,000 पॉइंट की रेंज दिख रही है, 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे, राइट। अब ये एक ट्रेड, अच्छा मैंने कैलेंडर का ट्रेड, ये हमारा कैलेंडर का ट्रेड मैं आपको बता दूं। अच्छा, यहाँ पे लॉस भी मैं अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि ये ट्रेड मैंने टोटल 30 लॉट्स में किया हुआ था कैलेंडर का ट्रेड। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरे को काफ़ी लॉस हुआ है इस पर्टिकुलर वीक में, तो ये वीक मेरा इतना अच्छा नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ पे पूरा अपडेट ही कर देता हूँ, सो दैट कि जब मैं इस वीक का P&L रिपोर्ट बनाऊँ तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से अपडेट मिल जाएं। तो मुझे ऑलमोस्ट 37,000 प्लस इसमें ब्रोकरेज, अगर मैं सारी चीज़ें कैलकुलेट करूँ तो मुझे 38,000 39,000 समथिंग का लॉस हो रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अभी हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो ये जो हमारा आयरन फ्राई का ट्रेड है, इसमें अभी भी थोड़ा होप बचा है। इस ट्रेड में कोई होप नहीं बचा था इसलिए मैंने क्लोज कर दिया, और मेरा SL भी हिट हो गया था इसलिए मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमारे पास अब सिर्फ एक होप है कि अगर गैप डाउन होता है मार्केट थर्सडे के दिन तो हमें कुछ अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिल जाएगा। अगर गैप डाउन नहीं होता है तो ये जो आपको 2,600 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है, इस लॉस से को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अगर हमारा जो नेक्स्ट प्लान क्या होगा वो भी प्लान में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एडजस्टमेंट बता देता हूँ क्या क्या हमने किया हुआ है। देखिए, मार्केट में आज एक काफ़ी स्ट्रांग रैली थी, तो हमने, अगर आपको यहाँ पे दिखेगा, तो हमने 39,400 का एक एक्स्ट्रा कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ था, बट इसके प्रीमियम बहुत जल्दी ही स्पाइक कर गए। तो हमने क्या किया कि हमने इसको हेज करने के लिए 39,500 का 2 कॉल ऑप्शन बाय किया। एक लॉट आपको यहाँ पे दिखेगा और एक लॉट आपको यहाँ पे दिखेगा, जिसमें से हमने एक लॉट को क्लोज कर दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको, ये रेड का मतलब क्लोज कर दिया है, ये वाला रेड, ये ग्रीन का मतलब अभी ये रनिंग है। तो हमने इसको क्लोज कर दिया है, और डे एंड में हमने 39,500 की जगह पे इसको क्लोज करके 39,200 पॉइंट नीचे आके इसको शिफ्ट करके यहाँ पे हमने 39,300 का कॉल ऑप्शन बाय किया, सो दैट कि हम अपने ऊपर के रिस्क को कम कर सकें। और उसके अलावा हमने अपोजिट साइड से एक एक्स्ट्रा पुट ऑप्शन सेल किया है। आप यहाँ पे देखेंगे 38,600 का, तो 38,600 का हमने एक पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पुट ऑप्शन है, मतलब डाउन साइड में रिस्क ज़्यादा होता है इन केस ऑफ मार्केट अगर गैप डाउन और ऐसा कुछ खुलता है, तो हमने उसको हेज किया हुआ है 38,000 के पुट ऑप्शन से। इसको हम लोग थर्सडे मॉर्निंग में ही क्लोज कर देंगे, और इसको क्लोज करने के बाद जो हमारा ये ऊपर की साइड में रिस्क होगा वो समवेयर अराउंड 2,000 रुपीज़ होगा। तो हम लोग अपोजिट साइड से एक्स्ट्रा पुट ऑप्शन सेल करना शुरू कर देंगे, सो दैट कि हम यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम लॉस है उसको कवर कर सकें। सो यही एक प्लान है, और ये हमारा ITC का ट्रेड है जो मैंने आपको दिखाया था। ITC का ट्रेड कल अराउंड 20,000 रुपीज़ समथिंग के प्रॉफिट में था, आज वो सारा प्रॉफिट जस्ट बिकॉज ऑफ रैली सारा प्रॉफिट चला गया है। हमने ये ट्रेड को क्लोज कर दिया है, इसको कुछ प्रॉफिट में क्लोज किया और नया ट्रेड बना लिया है। तो आगे इसका जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं जरूर से आंसर करूंगा। और मेंटोरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।